हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जिस टॉपिक को लेकर दोस्तों आज हम उपस्थित हुए हैं, वो टॉपिक है सीबीएसई टर्म वन एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। और साथ ही साथ हम बात करने वाले दोस्तों क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई का, उसका जो यूटी स्टार्ट हो चुका है, डेट क्या है वो मैं आप सभी बताने वाला हूँ। यानी अब आपके एग्जाम दोस्तों बिल्कुल नजदीक है, तो बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोताही ना बरते, एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, तैयारी करना शुरू कर दे। अगर अभी तक आप एग्जाम की तैयारी में नहीं लगे हैं तो, अगर नहीं लगे हैं तो जरूर तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है दोस्तों। मार्च के फर्स्ट वीक में भी आपका एग्जाम हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको लेकर कहा जा रहा है कि सीबीएसई की जो वेबसाइट वो क्रैश हो गई है, उसमें कोई हलचल नहीं है पिछले 2 घंटे से। बट ऐसा दोस्तों अभी देखने में तो आ रहा है कि सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, कोई हैक नहीं हुई। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय के लिए दोस्तों एरर आ रहा हो या नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो साइट ओपन नहीं हो रही हो, बट अभी पूरी तरीके से काम कर रही है और उसमें किसी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से देखने को नहीं मिला, और ना ही सीबीएसई ने दोस्तों कोई ट्वीट किया और ना ही फर्दर कोई नोटिस दिया है कि जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है या डिक्लेयर होने वाला है। रिजल्ट जब आ जाएगा दोस्तों तभी हम मानेंगे कि रिजल्ट आएगा, अन्यथा आपको इसके बारे में दोस्तों कुछ सोचना ही नहीं है। रिजल्ट ना आए, जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों, रिजल्ट ना आए तो ही सही है, क्योंकि अभी अगर इस टाइम पर इस सिचुएशन पर रिजल्ट आता है तो ऐसे में नुकसान हमारा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो हमारा मन जो है पढ़ाई की तरफ से हट जाता है, फिर हम रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो हमारा आगे की जो प्रिपरेशन है फाइनल टर्म एग्जाम को लेकर उसमें थोड़ी सी दोस्तों कमी हो सकती है। सो मेरा विचार है कि रिजल्ट अब ना ही आए तो ही अच्छा, क्योंकि अब वास्तव में काफी देर हो चुकी है। ऐसे में रिजल्ट का कोई अब मूल्य या कोई दोस्तों नहीं रह गया कि अब जब रिजल्ट आए, जब सीबीएसई का सेकेंड टर्म एग्जाम हो जाए उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए तो ही अच्छा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, मैं आज सुबह बताने वाला था कि अभी जो है दिल्ली में सभी स्कूल खुल चुके हैं और दिल्ली में जो है सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 की यूटी की डेट शीट भी आ चुकी है, डेट भी पक्की हो चुकी है। क्लास 12 की यूटी की बात करें दोस्तों तो क्लास जो 12th है बोर्ड का एग्जाम, उसमें यूटी जो है आप सभी जो है 17 मार्च से जो है यूटी स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 12th के, और 14 मार्च से जो है दोस्तों वो क्लास 10th के। जी हाँ, 14 मार्च और ये 17 मार्च, ठीक है, ये 12th और ये 10th के यूटी स्टार्ट। तो आप लोग से अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए, और मैंने सॉरी मार्च में मार्च नहीं दोस्तों माफ कीजिएगा मार्च नहीं ये फरवरी, ठीक है, तो 17 फरवरी और 14 फरवरी जो है आप सभी की जो परीक्षा यूटी की स्टार्ट हो सकती है, डेट भी आ चुकी है। तो इस तरह से अब आपको एग्जाम का जो फाइनल एग्जाम है जो मार्च में आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करना है दोस्तों, कोई कोताही बिल्कुल भी मत बरतिए। और एक चीज और दोस्तों बता दो, जैसे कि आप सभी बताए कि आज सीआईसी बोर्ड ने अपना रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया है, और वहां पर बच्चे जो अगर जिनके भी कम नंबर आए हैं तो वो अपने नंबर को दोबारा से रीचेक करवा सकते हैं। रीचेक कराने की डेट सीआईसी बोर्ड ने दोस्तों जो है 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक रखी, कि 10 फरवरी तक जो है आप अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, और प्रत्येक कॉपी के 1000 रुपए जो है फीस रखी गई है, 1000 रुपए फीस रखी गई है, काफी ज्यादा है। ऐसे में जिन भी छात्र छात्राओं को अपने नंबर से संतुष्टि नहीं है तो वो रीचेक करवा सकते हैं, और सीएससी ने कहा है कि भाई हमने किसी भी छात्र को फेल पास नहीं किया, वो सारी चीजें कंपार्टमेंट जो भी चीज आएगी वो फाइनल टर्म एग्जाम के जो प्रिपरेशन सेमेस्टर 2 का होगा उसके बाद ही वो डिक्लेयर किया जाएगा। बहरहाल सीबीएसई के सभी छात्रों को दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट की वेट मत कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा एसएमएस के थ्रू, डिजी लॉकर ऐप आपके स्कूल से पता चल जाएगा, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से आ जाएगा, आईबीएस के थ्रू पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। बट अभी दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं है, और मैं आप सभी दोस्तों ये बता दूं कि तमाम वीडियो सर्कुलेट हो रही है यूट्यूब पर कि रिजल्ट आने वाला है, बस आने ही वाला है, तो ऐसी किसी भी वीडियो पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए, वो सारी चीज बस खाली व्यूज चक्कर में, लाइक बटोरने के चक्कर में ही बनाई जाती है, तो क्योंकि वहां पर कुछ भी दोस्तों प्रूफ नहीं होता है। तो ऐसे में आपको अपनी पढ़ाई करनी है, सेकंड टर्म एग्जाम की तैयारी कीजिए, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो और साइंस स्ट्रीम्स हो, सभी छात्रों को मेरी तरफ से जो है
बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम की तैयारी में लगी है, क्योंकि एग्जाम दोस्तों मार्च महीने में ही आयोजित होंगे आपके, पक्की तरह से दोस्तों जो खबर आ रही है। सो यही इस वीडियो में बताना दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।